अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आउटर कैसे बनाते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें आउटर बनाने के लिए एक पिक्चर चूज करनी है। आपको एक कोई अच्छी सी पिक्चर चूज करनी है, आप गूगल से डाउनलोड कर लें। मैंने अभी ये एक टेम्प्रेरी की है, हाँ इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ। मैंने एक और, आप जिफ करेंगे ना तो जिफ में जो होगा ना, जिफ में आपकी लोडिंग पिक्चर आएगी, मतलब आपकी पिक्चर ना हिल रही होगी। ये मेरी जिफ सही है। अभी मैं इसको लाऊंगा नीचे, 120 ये करना है, ये मोबाइल के साइज का हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। आपने ये 1920 करना है, और आपने इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देना यहाँ से, इसको ना क्लिक करके। ये ना थोड़ा सा छोटा है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी जितनी देर यहाँ मैं चाहता हूँ ना, इसको ना मतलब 10 सेकंड का करूँ, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। यहाँ इसके ऊपर, यहाँ इसको हमने ज्वाइन कर देना है, जैसे आप देख सकते हैं ज्वाइन कर दें। कंट्रोल भी कर दें आप, जो भी आपको सही लगे। मैं 10 सेकंड का कर दूंगा इसको, 10 सेकंड का हो गया। अब जैसा आप देख सकते हैं, अभी हमें क्या शुरू क्या शुरू कैसे करना है आपको ये देखना है। ये शुरू हो गया, आप और भी ले सकते हैं, थोड़ी अजीब सी है लेकिन अभी तो यही कर सकते हैं। अभी आपने कोई सा भी ले लेना है, मतलब कोई सा भी आपने ये टेक्स्ट ले लेना है। सही है, सही है, आपने टेक्स्ट पे जाना है, कोई सा भी टेक्स्ट लें, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। हमें इसको कर देना है, एडवांस सेटिंग में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मैं भूल गया था कि डिलीट करना होता है, कोई बात नहीं। अब हम इस पे जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। सही है, हम कैसे करेंगे, आप दो शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी कैपेसिटी ज़ीरो कर दें, और अब आप इसकी साइज ना बड़ा कर दें, साइज सही है। इसको ब्लर करेंगे ना तो ये ब्लर ऐसा होगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है ना, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप एक और शेप ले लें, ये एक और सर्कल ले लिया आपने, सही है। इसको बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में रखना है, सही है। आपने जाना इसका टेक्स्ट लगा देना है, सही है। सर्कल को थोड़ा छोटा कर दे, क्योंकि जब यूट्यूब की जो एंड स्क्रीन होती है ना, उसमें ये ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ये आपने कर दिया ऐसे, इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे, क्योंकि जो ये तो मेन आउटरो के लिए इस्तेमाल होगा ना, इसको तो हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब हम इसका ये हटा देंगे, कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो, और शायद हम इसका ये कर देंगे। हाँ, उसका तो कलर हट गया। अब मैं चूज करूंगा कलर ब्लैक, नहीं ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस पे ना ब्लू चूज कर लूंगा, ब्लू ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने ना इसका कलर चेंज कर दें शेप का, सही है, वाइट कर दें, वाइट सही है, वाइट परफेक्ट है इसका, मतलब शेप फिल। इसका कलर मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमें ये मूव करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसके साथ ही चला लेंगे हम। कुछ लोग छोड़ देते हैं साइड से लंबा, लेकिन मुझे अच्छा अच्छा लगता है। आपने ना इसका अगर साइज 28 कर देंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट फिट होगा। अब आपने सेम अलग शेप उठाना है, स्क्वायर जो आप साइड पे लगाने वाले हैं, सही है, साइड पे आपने लिखना है। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने ना क्या करना क्या है कि ना इसकी कैपेसिटी ना कर देनी 100, हमें नई शेप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक और शेप उठाना है स्क्वायर, उसमें पहले से फिर आया होगा, ऐसा हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ा हम इसको थोड़ा ना,
लैंड कर देंगे, इसका टेक्स्ट डिलीट कर देंगे। अब इसका मैं सोच रहा हूँ कि ना बीच वाले का ब्लू रखूँ और इसका साइड का रेड रख देते हैं हम लोग, ग्रीन रख देते हैं। शेप बॉर्डर्स कलर तो चेंज हो गया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, पर्पल ठीक है। हमें ये गलत कलर चूज हो गया, एस नहीं नहीं गलत हो गया कलर चूज। अब आपने क्या करना है कि टेक्स्ट ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना आपने, बस टेक्स्ट ऐड कर देना है। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दें आप, इसमें अपना चैनल का नाम ऊपर लिखिएगा। अब इसका मैं, मुझे ना ये ठीक नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा ना, जो इसका का बैकग्राउंड है ना, इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा। अब इसका मैं पीछे से कलर ब्लैक चूज कर दूंगा, ब्लैक में अच्छा लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लगेगा। अब आपने इसका तो बिल्डिंग सी ऐसी है का सही है, तो थोड़ा बड़ा कर दें सही है। अब आपने इसको ना ऐसे ऐसे कर देना ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, एक दिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। आपने जाना एनिमेशन के पास, इधर अच्छी सी एनिमेशन ढूंढनी है आपने, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी सी, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। ये थोड़ी अजीब सी है लेकिन फिर भी अभी के लिए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। आप एरो भी इस्तेमाल डाल सकते हैं अगर आप डाउनलोड करें, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो हो गया, अब ये इतना तो हो गया, अब इसको हम थोड़ा चौड़ा कर देंगे। सही है, चौड़ा हो गया ये। अब आपने ऑडियो ऐड कर देनी है, ऑडियो आप कोई सी भी ऐड कर लें आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये जो फिल्मोरा में पहले से आई है मैं ये डाल लेता हूँ। चलते ऑडियो का क्या करना है, गाने को हम यहाँ ला देंगे, मतलब इस तरह ला देंगे, गाना अच्छा सही है, ग्रेट है। अब हमने इसको स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट, और आप डिलीट मार दें, और ऐसे आप बनाते हैं एक आउट्रो। अब और भी तरकीबें हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना, आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।